जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के जीनियस IQ में। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैत्तूर बांध कहाँ अवस्थित है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी उड़ीसा में। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कांसी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंडक, डी गोदावरी का मुहाना। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ए नर्मदा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है कि आप 10 प्रश्न में से कितने का सही उत्तर दे पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? ए कांडला, बी विछिंजाम, सी कारवाड़, डी धारवाड़। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी विछिंजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी कपास। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए सोना, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी उर्वरक। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है बी तांबा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए कृष्णा नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, बी शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, डी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक का नगरीकरण स्तर न्यूनतम है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी गोवा, डी हरियाणा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।